दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका पहुंचते ही लगातार इंट्रा स्क्वाड मैच खेले जा रहे हैं और अब हाल ही में तीसरे इंट्रा स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसको देखने के बाद शायद श्रीलंका के कप्तान के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए बताते हैं आपको पूरे इंट्रा स्क्वाड मैच की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय टीम को जुलाई के महीने में श्रीलंका के साथ में दो सीरीज खेलनी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने युवाओं वाली ये भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना कर दी है। आपको बता दें कि सीनियर खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में मौजूद हैं और उन्हें इंग्लैंड के साथ में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। ऐसे में टीम का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया है। बता दें कि 28 जून को ही टीम श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद दो इंट्रा स्क्वाड मैच खेले जा चुके हैं जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से ये प्रैक्टिस मैच खेला गया और इस बार शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम थी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली टीम थी। लेकिन अब की बार बल्लेबाजी करने उतरी भुवनेश्वर कुमार की टीम, जिसमें दिव्यदत्त पणिक्कल, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे राहुल चहर और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी शामिल थे। बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन दिव्यदत्त पणिक्कल ने बनाए। उन्होंने 29 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने भी 42 रन बनाए, जबकि अंत में हार्दिक पांड्या ने तेज बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। पांड्या ने 14 बॉल में 35 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार की टीम 20 ओवर में 159 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। शिखर धवन की टीम के ऊपर वैसे तो थोड़ा सा दबाव था, क्योंकि इससे पहले खेला गया इंटर स्क्वाड मैच में शिखर धवन की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मैच में शिखर धवन ने 23 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों पर 39 रन बनाए। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में नवदीप सैनी और दीपक चहर की जोड़ी ने शिखर धवन की टीम को शुरुआती झटके दिए और उसके बाद स्पिन गेंदबाजों का तो बोल बाला रहा। और इस मैच में इतना ज्यादा देखने को मिला कि राहुल चहर ने 4 विकेट अपने नाम किए। आपको बता दें कि शिखर धवन की टीम 20 ओवर के बाद सिर्फ 114 रन ही बना सकी। शिखर धवन की टीम को फिर एक बार भुवनेश्वर कुमार की टीम से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से यहां पर ये खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम को इस सीरीज में काफी ज्यादा मदद देने वाले हैं। वहीं अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहद ही लाजवाब रहा। जहां बल्ले से रन निकले, तो वहीं गेंदबाजी में दीपक चहर और नवदीप सैनी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और आप सभी को क्या लगता है कि नवदीप सैनी और दीपक चहर में से किस तेज गेंदबाज को पहले ही मैच में खिलाना चाहिए? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।